हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे वाटर हाइसेंथ प्लांट के बारे में, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, यानी कि ये एक जलीय पौधा है और आम भाषा में इसको जलकुंभी कहा जाता है। और ये आपने अपने आसपास जो तालाब होते हैं उसमें उगी हुई ज़रूर देखी होगी। इसमें बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर की फ्लावरिंग होती है, जो कि ये बहुत प्यारे लगते हैं और आपका भी मन करता होगा कि आप इनको घर में ग्रो कर सकें। एक्वेटिक प्लांट है तो आप इसको टब में ग्रो कर सकते हैं। हमारे घर के आगे एक तालाब है जिसमें ये अपने आप ग्रो हो जाती है और अक्सर जो तालाब होते हैं उनमें ये अपने आप उग आती है। तो ये जो प्लांट है, ये इंडिया कब आया था? ये लगभग 18th century के एंड में इंडिया आया था। यहाँ का प्लांट ये नहीं था। एक ब्रिटिश गवर्नर की वाइफ को इसके फ्लावर्स काफ़ी अच्छे लगे, तो ये प्लांट वो इंडिया में लेकर आई, तो ऐसे ये इंडिया में आ गया। लेकिन अब ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि ये तालाब में अपने आप ग्रो हो जाता है और जो दूसरे एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनको ये ग्रोथ नहीं करने देता है। और जो जलीय जीव हैं उनको भी नुकसान है इससे, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। पानी पूरा एक मैट सा बिछ जाता है पानी के ऊपर, तो जो दूसरे पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और जो जलीय जीव हैं उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो भी मरने लगती हैं। जलकुंभी कभी भी छाया में ग्रोथ नहीं करती है, इसीलिए जहाँ जहाँ हमारे लगाए हुए पेड़ों की छाया रहती है जहाँ तक, वहाँ वहाँ जलकुंभी नहीं है। यानी कि वो पानी एकदम फ्रेश है, वहाँ पे ना तो कोई घास है और ना ही कोई जलकुंभी है, क्योंकि पेड़ों की छाया रहती है। तो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा मछलियाँ रहती हैं, उनको सांस लेने में भी आसानी होती है, फ्रेश वाटर रहता है, तो हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ ये जलकुंभी है, इसके नीचे मछलियाँ सही से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। और दूर तक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स इसमें आए हुए हैं। इसमें जो फूल हैं वो ज़्यादातर रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, गर्मियों में थोड़ा ये झुलस जाते हैं जल्दी, और जो सर्दियां होती हैं उसमें इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, सर्दियों में भी ये सूखने सी लगती है। लेकिन सबसे अच्छा समय जो होता है इसकी ग्रोथ का, वो होता है रेनी सीजन के आसपास का समय। तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं, तो देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। जहाँ पर मछली पालन होता है या जहाँ पर तालाबों में खेती की जाती है, जैसे कि सिंघाड़ा या कमल की खेती भी की जाती है, तो वहाँ पर इसको हटाने की बहुत कोशिश की जाती है, तब जाकर वो कहीं खेती कर पाते हैं। एक न्यूज़ में हमने कहीं सुना था कि अब इसकी पत्तियों से, यानी कि जो इसका रेशा होता है उनसे, अब योगा मैट बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि मैट्स बन सकते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होंगे और इसका यूज़ भी कोई हो सकेगा, रीयूज़ कर सकेंगे इसको, तो ये भी अच्छी बात है। वाटर हाइसेंथ प्लांट पर हमें काफ़ी टाइम से वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन वीडियो इतनी बड़ी नहीं थी जो आपसे शेयर कर पाए। तो आज एक व्यूअर का हमारे पास कमेंट आया कि ये प्लांट कौन सा है और इसको कैसे ग्रो करना है। यही सेम कमेंट लास्ट ईयर भी आया था और ऐसा ही फ़ोटो उन्होंने भी शेयर किया था। तब हमने उन्हें बताया था कि ये वाटर हाइसेंथ यानी जलकुंभी है और इसको केवल पानी में ग्रो किया जा सकता है। यानी कि कोई वाटर टब है आपके पास, उसमें एक बारीक सी लेयर मिट्टी की बना दीजिए अगर बना सकते हैं, और उसको पानी से भर दीजिए और पानी में इसको रखिए। ये एक फ्लोटिंग प्लांट है, यानी कि ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, और जब आंधी आती है तो ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह भी तालाब में पहुँच जाता है तैरते हुए। तो इस तरह से इसको ग्रो किया जाता है। पानी चेंज करते रहें, क्योंकि मॉस्किटो लार्वाज हो सकते हैं, जो मच्छर के लार्वा होते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, इसकी फ्लावरिंग पाना चाहते हैं। फुल डे सनलाइट में रखें, जैसे आप लोटस प्लांट को रखते हैं। और फर्टिलाइज़र के लिए सॉइल में, जो नीचे सॉइल है उसमें आप थोड़ा सा गोबर की खाद मिला सकते हैं, जो कि पानी में अपना वर्क करता रहेगा। या फिर आप पानी में भी लिक्विड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र होता है, चाहे वो काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, चाहे कोई भी, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट जो हमारी व्यूअर का कमेंट आया था, उन्हें ये प्लांट ट्यूलिप कहकर काफ़ी कॉस्टली दिया गया था, लेकिन ट्यूलिप में बल्ब होते हैं और इसमें रूट्स होती हैं। ये एक नॉर्मल एक्वेटिक ग्रास है, जलीय घास है, इतना खास प्लांट नहीं है। तो इसको लेने के लिए आप तालाब में तो बिल्कुल ना जाएं, वो खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए बहुत सावधानी बरतें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।